भारत अपने भव्य मंदिरों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। कई अनोखे, रोचक और रहस्यमय कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए हैं ये भव्य मंदिर, जो एक भव्य इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है और उन्हें एक अनूठे अंदाज में दर्शाते भी हैं। नमस्कार, मैं हूँ साधना शर्मा। स्वागत है आप सभी का न्यूज फॉर सोशल पे। खंडोबा मंदिर, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो महाराष्ट्र के पुणे के जिले में जिजोड़ी नामक नगर में स्थित है। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर 718 मीटर यानी कि करीबन 2356 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए करीबन 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर के साथ कई अद्भुत कहानियां और किस्से जुड़े हुए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। खंडोबा मंदिर में भगवान शिव के स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी कि इस मंदिर में भगवान खंडोबा, जो कि भगवान शिव के रौद्र रूप का स्वरूप थे, उनकी पूजा उपासना होती है। उन्हें मार्तंड, भैरव और मल्हारी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। भगवान खंडोबा की मूर्ति घोड़े की सवारी करते हुए एक योद्धा के रूप में है। उनके हाथों में राक्षसों का संहार करने के लिए एक बड़ी सी तलवार है। खंडोबा मंदिर को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग मंडप कहलाता है, जबकि दूसरे भाग में गर्भगृह है, जिसमें भगवान खंडोबा की मूर्ति स्थापित है। अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि हल्दी से ये मंदिर रंगा हुआ है। फूलों से और हल्दी से भगवान खंडोबा की बड़े स्तर पर पूजा होती है। ये मंदिर हल्दी से रंगा हुआ है। आज भी इस मंदिर में हल्दी से ही पूजा होती है। इसके अलावा मंदिर अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी इस तरीके से दर्शाता है, यहाँ पर अभी भी हथियार रखे गए हैं। दशहरा के दिन यहाँ भारी भरकम भीड़ होती है तथा तलवारों को दांत के सहारे अधिक समय तक उठाए रखने की एक प्रतियोगिता भी आयोजित होती है, जो काफी ही विख्यात है। इस मंदिर से ये इतिहास जुड़ा हुआ है कि जब धरती पर अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था तो उसका नाश करने के लिए भगवान शिव ने ये रौद्र रूप धारण किया था। धरती पर मल और मली नामक दो राक्षसों भाइयों ने आतंक मचा रखा था, जिसका संहार करने के लिए भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का अवतार धारण किया था। कहते हैं भगवान ने मल्ला का सिर काट कर मंदिरों की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, जबकि मणि ने मानव जाति की भलाई का वरदान भगवान से मांगा था, जिसके फल स्वरूप भगवान ने उसे छोड़ दिया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भगवान खंडोबा एक रुद्र देवता है, यानी कि शिव के रुद्र रूप का स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा के नियमों को काफी सख्ती से पालन किया जाता है। यहाँ तक कि ये भी मान्यता काफी विख्यात है कि कभी कभी बकरी का मांस भी इस मंदिर के बाहर भगवान को अर्पित किया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी खास पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।